हेलो दोस्तों, टेक्निकल टीचर चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि जब आप लोग मोबाइल पर लॉक लगाते हो या तो आप सिंपल पासवर्ड लगाते हो या पैटर्न लॉक लगाते हो या फिंगरप्रिंट लगाते हो, लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपको किस तरह अपने मोबाइल पर ढोल का आवाज़ लगाना है या किस तरह गिटार का आवाज़ लॉक पर लगाना है। तो जो ही आप गिटार दबाओगे तो आपका वो मोबाइल खुल जाएगा या आप ढोल बजाओगे तो आपका मोबाइल खुल जाएगा। तो ये कमाल की वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो चलते हैं, मैं आपको वही ऐप दिखा रहा हूं। तो आपको अपने मोबाइल में म्यूजिक लॉक इंस्टॉल करना है। ये देखो, मैंने अपने मोबाइल में ये म्यूजिक लॉक इंस्टॉल कर रखा है। तो ये आपको कहां से इंस्टॉल करना है, ये मैं वीडियो के आखिर में बताऊंगा। चलो चलते हैं, मैं अभी इसी म्यूजिक लॉक को ओपन कर रहा हूं। इसके ओपन करने से आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आप अगर पासवर्ड इनेबल करोगे तो यहाँ पर क्लिक करना है। देखो, इनेबल लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। इसी पर क्लिक करने के साथ देखो किस तरह की इंटरफेस आएगा। ये है, ये पियानो है। लेकिन अगर आप पियानो सेट नहीं करना चाहते, पियानो की आवाज़ सेट करना नहीं चाहते, अगर आप इसे सेट करना चाहते हो तो इस पर आपको कम से कम चार बटन प्रेस करने हैं, जो आपका पासवर्ड होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आपको पीछे चले जाना है और आपको यहाँ पर नीचे आना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है यूज़ इंस्ट्रूमेंट पियानो, यहाँ पर सेलेक्टेड है। पियानो की जगह आप अगर इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे गिटार भी है, ड्रम भी है, ज़ाइलोफोन भी है। तो चलो मैं ड्रम पर क्लिक कर रहा हूँ, और ड्रम को मैं अपना पासवर्ड बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आना है, इनेबल लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। इनेबल लॉक स्क्रीन करने के बाद आपको इस का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना है तो आपको वही प्रेस करना है, ठीक है। अब ये मैं इसका वॉल्यूम ज़रा फुल करता हूँ। देखो, अब मैं जो भी सेलेक्ट करूँगा, जो पासवर्ड सेट करूँगा, वो फिर मैं दबाऊँगा स्क्रीन को ओपन करने के लिए, अपना मोबाइल को ओपन करने के लिए वही ड्रम्स में दबाऊँगा, ठीक है। देखो, ये चार ड्रम्स मैंने पासवर्ड पे रख दिए, ठीक है। अब मैं दोबारा ये देखो कन्फर्म न्यू पासवर्ड दोबारा मैं करूँगा, तो इन चारों को मैं फिर दोबारा बजाऊँगा। इसी पर क्लिक करने से दोबारा ये देखो ये आपका सेट हो गया, ठीक है। इसी को मैं ओके कर रहा हूँ, तो ये देखो ये एक्टिवेट हो गया। तो अभी मैं इसी को दोबारा बंद करता हूँ मोबाइल को, ये मैंने लॉक कर दिया, और अब मैं दोबारा खोल रहा हूँ। दोबारा खोल खोलने के बाद आपको इसी तरह का इंटरफेस मिलेगा। देखो, मैंने पहले से एक पासवर्ड और भी है मोबाइल पर, तो वो भी देना, अगर आपको देना पड़े तो वो भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये पासवर्ड अब देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये म्यूट होता है ताकि किसी को पता ना चले कि आपने ये ड्रम पासवर्ड लगा रखा है। तो यहाँ पर ये म्यूट होगा, आपको सिर्फ वही ड्रम्स बजाना है जो आपने वहाँ पासवर्ड पे रखे हैं, ठीक है। मैं वो दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो ही मैंने वही प्रेस किए तो मेरा वो वाला डोल वाला पासवर्ड खुल गया, और ये अब मोबाइल पर अपना पासवर्ड है, ठीक है। तो ये अब ख़त्म भी कर सकोगे, ख़त्म भी अगर करना चाहो तो ये आप यहाँ से ख़त्म करो, ठीक है। क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी को मोबाइल दोगे तो आप इसे कहें कि मेरे मोबाइल पर कोई पासवर्ड नहीं है, देखो ये मोबाइल ख़राब है, या कोई भी बहाना बना सकते हो, क्योंकि इसको पता नहीं चले कि ये भी एक पासवर्ड है, ठीक है। तो इसी को मैं दोबारा खोलने देखो, वही ड्रम मैंने दोबारा बजा दिए, तो मेरा पासवर्ड मोबाइल खुल गया। मेरा ये इसका अपना पासवर्ड है, इसी को भी मैं खोल रहा हूँ। देखो, इस पर मैंने अपना पासवर्ड लगा रखा है, तो ये मेरे साथ मोबाइल ओपन हो गया, ठीक है। अब अगर ये पासवर्ड मैं रिमूव करना चाहूँ तो मैं मोबाइल वाला पासवर्ड रिमूव करूँगा और ये ड्रम वाला पासवर्ड इस पे रखूँगा, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि इस मोबाइल पर पासवर्ड है या नहीं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है, आप किसी के साथ भी ये ट्रिक कर सकते हो और अपने मोबाइल को अमेजिंग बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।